बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे किताब अल अरबियतु बैन जदीक। पीडीएफ के ऊपर है पेज नंबर 39। अदसु साबिया लेसन नंबर 7। अल कलाम का मतलब है बोलें। अतद्रीबुल अव्वल पहली मशक। तबादलिल हवारा मा जमीली का कमा फिल मिसाल। तबादल का मतलब है तबादला करें, अपने साथी के साथ तबादला करें मुकालमे का, जैसे कि मिसाल में किया गया है। तो मिसाल में हमें नज़र आ रही है उन्होंने एक औरत है फातिमा, वो अपना तारुफ़ करवाती है। इस्मी फातिमा, मेरा नाम फातिमा है। अना मिस्रिया, मैं मिस्र से हूँ। अना मिन मिस्र, मैं मिस्र से हूँ। अना मिस्रिया, मैं मिस्री हूँ। अना मिन मिस्र, मैं मिस्र से हूँ। दूसरी आगे से कहेगी आहलन व सहलन। अब आनिया साहब, आप अगली तस्वीर के हिसाब से ये शुरू करें मुकालमा। ये नेम जो लिखे हुए हैं ये यूज करें। जी बिल्कुल इसमें महमूद, ठीक है। अना तुर्की, अना तुर्की, ठीक अना मिन तुर्किया, ठीक है। आगे इसमें खदीजा, इसमें खदीजा, मेरा नाम खदीजा है। अना अना सूर्या, मैं शामी हूँ। मैं शामी हूँ। अना मिन सूरिया, मैं शाम से हूँ। ठीक। इसमें अली, मैं अली हूँ। अना पाकिस्तान, पाकिस्तानी, अना मैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी, हूँ। अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। अना मिन पाकिस्तान, और मैं पाकिस्तान से हूँ। ठीक है। अहमद, इसमें अहमद, मैं अहमद हूँ। अना मिस्री, मैं मिस्री हूँ। अना मिन मिस्री, मैं मिस्र से हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले सफ़े पे आता द्रीब उस्सानी दूसरी मशक। क्या मतलब है सवाल का? अपने दोस्त के साथ तबादला करें सवाल जवाब का, जैसे कि नीचे मिसाल में किया गया। मकालमे का तबादला करें अपने साथी के साथ, ठीक है। आगे ये पढ़े मसाल क्या लिखी हुई है। आजा आखी, ये मेरा भाई है। ओवा मदरसू, ये उस्ताद है। आला हुआ सालू, ठीक है मतलब ये वो करवा रहा है, तारुफ करवा रहा है। जी, अपने भाई का तारुफ करवा रहा है। तो एक चीज़ हमने ये याद रखनी है कि यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है आख, उख, सदीक, सदीका, अख। इन सब को हमने अपना बनाना है, और अपना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? या लगाते हैं। बिल्कुल सही है, आखिर में आपने या लगाना है। और ये अब आपकी पहली तस्वीर में एक आपकी बहन की तस्वीर है, आप इसका तारुफ करवाएं। हाजा उक्ति हाजा मर्दों के लिए होता है सिर्फ। नहीं है, सॉरी, हाज ही उक्ति, या तबीबत, ठीक है। ही या तबीब है, सही है, ये मेरी बहन है और ये डॉक्टर है, एक ठीक डॉक्टर है। ठीक है। हाजा सदीको, ये मेरा दोस्त है। दोबारा पढ़ें, गलती हाज की है, ओवा, गलती लग रही है, दोबारा पढ़ें। हाजा सदीकत हमने क्या पढ़ा? अपना बनाने के लिए क्या करते हैं? मतलब या लगाते हैं। हाँ, तो सदीकी बन जाएगा। हाजा सदीकी, हाँ, सदीकी। हाजा सदीकी, ये मेरा दोस्त है। अच्छा, होवा मुहंदिसु, ये इंजीनियर है। ठीक है। आगे है हाज ही सदीकती, हिया तालिबतु, सही है, बिल्कुल। आगे है मतलब भी बताया करें। ये मेरी बहन
ये मेरी दोस्त है और ये पहले है। ठीक है। हाजा आखी, ये मेरा भाई है। ठीक होवा तालिबु, ये तालबेल में है। ठीक है। हुआ तालिबुन, सही है। ठीक है, अगले सफ़े पे आ जाएं। सवाल पढ़ें, क्या मतलब है इसका? जी तबादल हवालु महा फिल मिसाल। ये अपने दोस्त के साथ से वो तबादला करें, और जैसा कि मिसाल में दिया कि ऐसा इसका यही मतलब है। ठीक है, अलहवार का क्या मतलब है? अलहवार का मतलब है मुकालमा। या ये जो मुकालमा, अलहवार का मतलब है मुकालमा। अलहवार का मतलब है मुकालमा, तो यानी क्या वो कह रहा है? तदरीब उसानी, अपने साथी के साथ मुकालमा करें, जैसा कि इस मिसाल में किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हम पढ़ रहे हैं किताब अल अरबियतु बैना यदीक, PDF के ऊपर है, पेज नंबर 40। आप ये पेज खोल लें। आनिया साहब, आप ये मिसाल पढ़ें। सर वो जो पहले थी वो कौन था? वो एक और स्टूडेंट थी, ये मेरी पहले पढ़ती नहीं अरबी, ये अभी इस बुक से तकरीबन 60 एक सफ़े गालबन पढ़ चुकी हैं पहले, तो उनको थोड़ा टाइम का मसला है सर, इसलिए वो फिर क्लासेज नहीं ले सकी आगे। मिसाल नंबर अवल में अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। सही है। कैफ हालुका, आपका क्या हाल है? बखैरी वालहमदुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत। ठीक है। अच्छा, आपकी कौमियत क्या है? सही है। अना मिन पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। आलम व अना सरकार से पाकिस्तानी। पूछा, अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। आलन आलम व वसहलन, सालम व आलन वसहलन। ठीक है, खुश आमदीद। आलम। तो चीज़ इसमें यह है कि मिसाल, इस मिसाल में ये उन्होंने शो किया कि एक ये जो बंदा है ना तस्वीर में बना हुआ है, ये आपके पास आया है और आपने इसे ये सवाल जवाब पूछे हैं और इसने आपको आगे से सवालों का जवाब दिया है। बिन साहब, आपने किताब खोल ली है? बिन साहिबा, क्या आपने किताब खोल ली है? उनको शायद आवाज़ नहीं आ रही। तो अब अगली तस्वीर में आनी है साहिबा, ये आप तुर्की की एक और पास एक तुर्की की औरत आई है, तो आप इसे ये सवाल जवाब करो। ये जो अगली तस्वीर में दिया गया है सर, जी, इसमें यही सवाल है कि तुर्किया के हिसाब से पूछते हैं, मतलब बिल्कुल ठीक है। इस लड़की के साथ से पूछते हैं जो तुर्की से आई है। सर आवाज फट रही है। जी, पूछें से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। बिन साहिबा, जवाब दें। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालुका, कैफ हालुकी। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। अना तुर्किया। ठीक है, अगली तस्वीर। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालुका। बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह। मान जिन्सियतुका। अना सूरी। अब बिन साहब, आप सवाल पूछें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफ हालुकी। बखैरी वल्हम्दुलिल्लाह। मा जिन्सियतुकी। अना मिन मिस्र।
अना मिस्रिया। अहलन व सहला, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मैं कैफा हालुका? बखैरी अल्हम्दुलिल्लाह। मा जिन्सियातुका? अना तुर्की। अहलन व सहला। अब आप दोनों इस तरह करें, एक दूसरे से ही सवाल जवाब जुबानी पूछें बगैर किताब को देखे। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैफा हालो की? बखैरी अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही आनिया साहब आप सवाल भी पूछें, जवाब देने के साथ ही आप सवाल पूछें। माजिन या तो की अना पाकिस्तानिया। ठीक है, चलें आप दोनों ने कल। यस, आगे है तदरीब राबिया, ये पढ़े आनिया साहब आप, इसका मतलब बताएं क्या मतलब है तदरीब राबिया का। तदरीब राबिया तबादल।